जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन, जो कि 2023 के हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सहल उद्यान किसने बनाया था। तो यह है, इसके जो निर्माता थे तो वह नेक चंद्र थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना में बिजयंत नाम क्या है, यानी कि जो बिजयंत का संबंध है वो किससे है। तो यह एक टैंक का नाम है बिजयंत। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में किस अंग में यूरिया बनता है। तो शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, लीवर में। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में यह जो अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी, यानी कि जो जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह सबको पता ही होगा, जो जयपुर है राजस्थान का राजधानी, उसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो रेफलेसिया जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो बायोगैस का जो प्रमुख अवयव है वो है मीथेन, यानी कि CH4, मीथेन का ये सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गुरु नानक देवमुख जो थे इसके संस्थापक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि जो हमारा इधर सिक्किम राज्य है यहाँ उसमें स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ए ओ ह्यूम यह भारतीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, SSC और UP SSSC आदि एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। जो मिस्र की सभ्यता है वह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत कहाँ पाए जाते हैं। तो सोयाबीन जो होती है उसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ दालों में भी जो प्रोटीन देखने को मिलती है पर सोयाबीन में सबसे अधिक मिलती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो स्टील में, यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है और ठोस में भी यानी कि जो स्टील में सबसे अधिक होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो तेंजिंग नार्गे यह है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो यह क्वेश्चन आपका UP SSSC पैट के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिनकोना पौधे से किस भाग से सिनकोना प्राप्त होता है। तो जो तने की छाल होती है, यानी कि जो यहाँ छाल होती है तने की, उससे सिनकोना पुनेन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गान जनगणमन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। तो यह है मिस्र में, वहाँ जो स्तंभ वाले पिरामिड पाए गए हैं। इसके बाद है, भारतीय कृषि अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार UP SSSC आदि एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो यह आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बोध गया यानी कि बौद्ध धर्म से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। ग्रामीण सभ्यता, यानी कि जो चोल प्रशासन था तो उसमें जो ग्रामीणों को जो ज्यादा देख रेख आदि रखा जाता था उसमें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो यह बरौनी में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। कस्तूरबा गांधी के नाम पर बहुत से विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का एक पद अधिकारी होता है, यानी कि जो थल सेना में आपको जनरल देखने को मिलते हैं, तो यह है थल सेना का अधिकारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यह पॉलिटी का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके सीएम होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो वहाँ का राज्यपाल होता है उसके द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी कि इसकी एसटीडी की फुल फॉर्म है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो बेन किंग्सले ने जो गांधी की भूमिका निभाई थी। पुस्तक वॉर एंड पीस किसके जो हैं, इसके लेखक कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय जो इसके लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, एक मीटर जो रेल पथ होता है तो इसके बीच की जो चौड़ाई होती है वो एक मीटर देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, यानी कि 1/4 रह जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि जो ठोस होते हैं उनमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो बहिर्मंडल के नाम से, जो सबसे लास्ट वाली परत है इस नाम से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं जो मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। इसके बाद अगला है, म्योत्योस्तुंग संबंधित हैं चीन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर तुम जाकर देख सकते हो, जो करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि 2023 के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा। सूर्य की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग किस क्षेत्र में है, यह कश्मीर में गुलमर्ग क्षेत्र देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने जिन शब्द का प्रयोग किया था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती। इसके बाद अगला देखेंगे, बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सड़क जो जीटी रोड है वह सबसे लंबी सड़क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, लोथल गुजरात में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, यह महाबलेश्वर के। हॉकी खेल में कितनी टीम, जो हॉकी टीम होती है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो यह असम होता है, जो कि 7 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़े में, यानी कि जो मनुष्य का जबड़ा होता है जिसमें दांत होते हैं गड़े हुए, यह आपका सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फूल गोभी में खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम, यानी कि जो फूल गोभी होती है उसमें जो भाग खाया जाता है, तो उसमें जो ये है ऐसा, ये पुष्पक्रम कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, UTI बैंक के वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, एक्सिस बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, केले का पेड़। सूर्य से उत्सर्जित प्रबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, ओजोन परत, यानी कि जो ओजोन परत है वायुमंडल में, तो वह सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणों को परावर्तित कर देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक किसकी स्मृति पर
स्थापित किया गया था, तो यह है स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, यह है बहुत एग्जामों में पूछा जाता है SSC UP SSSC में बार बार कि स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे, तो हुमायूं ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है, तो यह है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल काट ली जाती है दीपावली के आसपास। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता वो शिखर पर सत्ता पर थी, बाजीराव बालाजी बाजीराव के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल शहर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है, मुख्यतः मीथेन गैस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो यह 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत भूमध्य रेखा है, यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा है तो यह भूमध्य रेखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह है डार्विन ने। इसके बाद है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, ए.यू. ह्यूम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगा लिया जाता था, यह मराठाओं के द्वारा लिया जाता था। इसके बाद है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो यह अकबर ने की थी। तो यह क्वेश्चन आपका बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, पायलट अफसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपति वो राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इसके बाद है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जॉर्ज वाशिंगटन की नेतृत्व में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय दलन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। यह क्वेश्चन भी आपको बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, ताले बनाने के लिए। इसके बाद है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। इसके बाद है, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियोन गैस भरी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल ओडायर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, प्रशांत महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में किया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, 2400 मीटर, तो यह क्वेश्चन मोस्ट है। धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था, तो संजय। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो यह अमृतसर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो पानीपत का युद्ध किस सन में लड़ा गया था, यानी कि जो इसका ईयर था, वर्ष, आप इसका वर्ष कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे। तो पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह इसका वर्ष आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस भारतीय खिलाड़ी को जम्बे नाम से जाना जाता था, तो अनिल कुंबले को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
वायु का दाब इसके कारण होता है, घनत्व के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं? केरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रांट ट्रंक रोड, जो जीटी रोड बनी थी, तो ये है किसने बनवाई थी? तो जीटी रोड जो बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक शिक्षित राज्य तो केरल है। इसके बाद है, जो हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा था? तो यह गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसके बाद है अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।